नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत यादव फिश फार्म से एक बार फिर नई वीडियो के साथ में आपके सामने आया हूँ, नई सोच के साथ में। काफ़ी भाइयों की कॉल आती थी, भाई ये हम पोंड फार्मिंग को करें या हम बायोफ्लोक टेक्निक को अपनाएं। दोनों काम अच्छे हैं, पर दोनों कामों को लेके काफ़ी भाई कंफ्यूज हैं। सर हमें बताएं कि कौन सा काम करना है, तो मैं बताता हूँ आज डिटेल में कि किस काम का क्या महत्व है, किस काम से आपको कितना लाभ होगा, कितना फायदा होगा। पोंड में क्या है, पोंड का काम हमारे प्राचीन समय से आ रहा है। हमारे पास जो फिशरीज का काम है उसमें पोंड का पहले से ही काम है, और नई टेक्निक का नया काम है। जैसे जैसे सुधार हो रहा है वैसे वैसे इसमें सुधार किया जा रहा है। जो पोंड में है जो फिश जल्दी तैयार होती है, इसमें आता है स्पेस का इशू। जो बायोफ्लोक में उसमें स्पेस इतना नहीं मिलता, और हमारी फिशेज को कुछ टाइम के बाद ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता को देखते हुए हम मान लो बायोफ्लोक के साथ में हम पोंड फार्मिंग भी करेंगे। कुछ टाइम में बच्चा जैसे 100 ग्राम 200 ग्राम या हम जो भी हम करते हैं ना, उस हिसाब से हम इसमें सीड डाल देंगे। और सीड मान लो बॉडी वेट के हिसाब से इसमें जो बायोफ्लोक में 100 से 200 ग्राम 250 ग्राम ईजिली हो जाता है। उसके बाद उसको रिक्वायरमेंट होती है सीड को स्पेस की। स्पेस हम जैसे हमने बना रखे ऐसे पोंड इस टाइप से बना सकते हैं, और उसमें बढ़िया स्पेस मिलेगा। और हमें हमारे सीड का ही पता होगा कि हमने कितनी क्वांटिटी में इसमें सीड डाला और हमारा टोटल वेट कितना आ जाएगा लास्ट टाइम तक। इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है फार्मर्स का, जो भी नए फार्म लगा रहे हैं या करने जा रहे हैं, कि हम साल में कितनी फसल ले सकते हैं। अगर हमारा सीड हमारे पास अल्टरनेट कोई जगह है तो हम दो फसल ले सकते हैं, तीन फसल ले सकते हैं। वो पूछो कैसे, जब हमारा सीड हमारे टैंकों में तैयार करते हैं 200-250 ग्राम का होता है, उस सीड को उठा के हम पोंड में कर देते हैं और इसमें फार्मिंग उसकी कंटिन्यू चालू कर देते हैं। वो उसको स्पेस मिलेगा, और उसको जैसे ही स्पेस मिलेगा तो वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपना जो सीड है उसको अपने टैंकों में सेट कर दो, जो अलग सीड है जो छोटा बच्चा है। जब आपका ये सीड निकलेगा यहाँ से, तो उसी टाइम टैंकों वाले सीड को आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफ़र करने के बाद आपको दूसरी फसल भी आपकी कुछ समय के बाद तैयार हो जाएगी, और आपको भविष्य में कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि साल में जैसे कई भाई हैं लीज पे ज़मीन लेते हैं, उनको रेंट भी देना होता है, और हर फार्मर ये चाहता है कि मैं साल में दो फसल लूँ, एक फसल पे डिपेंड ना रहूँ। ये दो काम करने से फ़ायदा ये है कि आपका सीड भी कम रेट में आएगा, आपका तैयार हो जाएगा, और उसके बाद आप जैसे आपके पास पोंड है या फार्मिंग है, आपकी पोंड फार्मिंग है साथ में बनाते हो, उसमें आपका इनकम सोर्स भी साल में दो बार का हो जाएगा। और जितने इसमें स्पेस है उसमें आपका सीड भी सेफ है, और आप सेफ सीड को यहाँ डाल सकते हो। सीड को डालने के बाद आपको टोटल ये हो जाएगा कि आपका बॉडी वेट कितना हुआ है और आप कितने समय में आपको क्या मिला है। ये विधि जो मैंने आपको बताई, ये विधि मैंने खुद करके देखी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किसी कागज़ पे जो बातें लिखी और आपको बता दी, ये मैंने करके देखी है। 100% ये सक्सेस है। उस पिछले साल मैंने यही किया है। ये अपने पोंड पहले मेरी पोंड फार्मिंग भी थी और है आज भी, और मैं इस विधि से चला हूँ, और चलने के साथ साथ मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, तो भाइयों ये मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ कि इस विधि से अगर आप बायोफ्लोक और पोंड फार्मिंग का काम करोगे तो कुछ ही समय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और इस काम को आप और बेहतर तरीके से कर सकते हो, आपको फ़ायदा होगा। कोई भी पर्सन है इस काम को करेगा तो फायदे के लिए ही करेगा, और साल में आप काफ़ी फसल ले सकते हो, और आपका जितना भी आप क्विंटल टनों के हिसाब से आप माल को तैयार कर सकते हो। इसमें क्या है, जो मैंने आपको बार बताया जो बायोफ्लोक है और पोंड फार्मिंग है, इसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और किस विधि से, जो विधि मैंने बताई आपको, इस विधि से आपको 100% लाभ होगा। और इस विधि से हम काफ़ी हमारे फार्मर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पास ट्रेनिंग लेने आए हैं, उनको इसी विधि से हम फार्मिंग कराते हैं, और उनको बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, और वो हमारे साथ आज भी जुड़े हैं और भविष्य में भी जुड़े रहेंगे।
आप जब भी नया काम करते हो तो किसी एक्सपर्ट की आपको ज़रूरत होती है। नया काम कोई भी करते हो तो एक्सपर्ट की मदद से ही आप उस काम को कर सकते हो। हमारे पास जो भी फार्मर आते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हों, सबका रिकॉर्ड होता है, उसमें हमें ये पता होता है कि उसने कितने लाइन का सीड डाला है, वो प्रोटीन कितने एमएम का दे रहा है, उसके प्रोटीन में कितना, उसकी फीड में कितना प्रोटीन है। और उसको देखते हुए जैसे नया फार्मर है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट अदर साइड कर देता है, वो फोकस जहाँ पे करना है वहाँ पे नहीं कर पाता। मेडिसिन से रिलेटेड है, कोई भी कुछ बताएगा उसको वो डाल देगा। एक अच्छी गाइडलाइन होनी चाहिए, उसके थ्रू ही उसको फार्मिंग करनी चाहिए। मेरा सभी फार्मर से यही सुझाव है कि एक अच्छे एक्सपर्ट को आप तलाशें, उसके थ्रू आप फार्मिंग करें। जैसे हमारे साथ करते हैं काफ़ी फार्मर, उनको आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और हम खुद करते हैं फार्मिंग, प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद ही हम फार्मरों को बताते हैं। सभी नए फार्मर और पुराने फार्मरों को यही सुझाव है कि अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो एक बार हमारे फार्म का विजिट करें, या आपको कोई भी अच्छा फार्मर दिखता है उसका विजिट करें। बिना नॉलेज के साथ में इस काम को ना करें, नहीं तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। एक गाइडलाइन के थ्रू इस काम को करें और हमारे फार्म पे आपको सारी सुविधा प्रोवाइड होगी। आपको सीड से रिलेटेड, आपको मटेरियल से रिलेटेड जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो आपको मिलेगी एक जायज़ और जेन्युइन रेट में। हमारे पास सीड भी हर प्रकार का होता है, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, आईएमसी से रिलेटेड, और जो हमारी कोलकाता से आती है कैटफिश बोलते हैं जिसको, कैटफिश से रिलेटेड हमारे पास सब सीड मिलता है और हमारे पास फीड भी मिलता है। जहाँ से आपको दो पैसे का फ़ायदा हो वहीं से आप सीड लें, वहीं से आप सब कुछ लें। एक अच्छे ट्रेनर के पास जाएं, वहाँ से ट्रेनिंग लें या सीखें, एक विजिट करें। विजिट से पहले आप कोई काम ना करें, आपको 100% आप संतुष्ट हो तभी उस काम को करो, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। और एक एक्सपर्ट जो आपको लाइफ में आगे भी और जब आप काम स्टार्ट कर रहे हो तब भी आपको सपोर्ट करेगा, तभी आप सपोर्ट के थ्रू उसके काम को देखो भाई वो किस विधि से कर रहा है, आप भी उसी विधि को अपनाओ तभी आप सक्सेस होगे। और हमारे यहाँ पे किसी भी ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं है, आप ट्रेनिंग ले सकते हो, आप सलाह ले सकते हो पोंड फार्मिंग से भी और बायोफ्लोक की, आप दोनों की भी ट्रेनिंग ले सकते हो, इसका हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। मैं सभी फार्मर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं भी जाते हो आप, एक बार सलाह लेने में कुछ नहीं जाता, आप बात करें, मिलें और उसके बाद ही काम को आगे करें या बढ़ाएं। क्योंकि इससे क्या है कि मैं यहाँ ट्रेनिंग का चार्ज कर देता हूँ तो काफ़ी जो फार्मर है वो ट्रेनिंग के जो पेड ट्रेनिंग होती है उससे बचने के लिए वो सलाह नहीं ले पाते, तो इसलिए मैंने फ्री कर रखा। हरियाणा में फ्री करने वाला ट्रेनिंग मैं पहला ट्रेनर था, और जो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ उसी के बेस पे मैं आगे जो फार्मर हैं उनको बताता हूँ। तो आप कभी भी हमारे फार्म का विजिट करिए, इसी चैनल पे हमारी पहले भी वीडियो डली हुई है और इसी चैनल पे आपको सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप उसमें हमारी पीछे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और हमारे साथ काफ़ी फार्मर इन्हीं वीडियो के माध्यम से जुड़ते हैं क्योंकि आजकल YouTube का ज़माना है, YouTube पे लोग देखते हैं, उसी के थ्रू वह चलते हैं भाई, किसी काम को करना है लोग बताते हैं उसी हिसाब से वो काम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी YouTube चैनल पे हमारी काफ़ी वीडियो हैं, उनको देख सकते हैं, हमारे फार्म का विजिट कर सकते हैं, हमारा कोई चार्ज नहीं है, ट्रेनिंग हम संडे को देते हैं, कोई भी फार्मर हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकता है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और भविष्य में भी उसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। ये नहीं है कि कोई फार्मर हमारे पास आ रहा है ट्रेनिंग ले रहा है तो हम उसको ये बोले कि सीड भी हमसे लो और मटेरियल भी हमसे लो। आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी ट्रेनिंग ले सकते हो, उसका कोई हमें उस बात से हमें कोई वो नहीं है, आप मटेरियल भी कहीं से ले सकते हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि एक आप इस काम को अच्छे से जानो, देखो, परखो और फिर आप इसको करो। पहले इन्वेस्टमेंट बिना सोच समझ के आप इसमें ना करें। आप इस काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते, एक बार आप हाथ से प्रैक्टिकल करोगे तभी तो आप इस काम को जान पाओगे। पहले आप पैसे लगा दोगे और फिर आपको पता लगेगा कि ये आपके बस का काम नहीं है तो इसमें आपका घाटा होगा।
और घाटा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सभी किसान भाइयों से, सभी फार्मर्स से जो इस काम को करना चाहता है भविष्य में, तो एक बार विजिट करें और ट्रेनिंग ले, इस काम को सीखे, देखे, प्रैक्टिकल करें। आपके हाथ से हमारे फार्म पे भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। और अपना फार्म समझ के आप यहाँ पे प्रैक्टिकल कर सकते हो, इस काम को सीख सकते हो। धन्यवाद, कम समय लेते हुए आपका अपना जयंत यादव फिर अगली वीडियो और नई सोच के साथ दीप नैन यूट्यूबर के साथ में आपके सामने फिर से आएंगे नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।